समोसे तो आप सभी ने खाए होंगे, बट इस तरीके के क्रीमी और मज़ेदार समोसे आपने आज तक कभी नहीं खाए होंगे। तो ये है दही समोसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो दही समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे डो। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी, 3/4 टेबल स्पून नमक, 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ऑयल हम यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और हार्ड ना हो। तो आप जब इसको इकट्ठा करके देखेंगे और ये ऐसे शेप होल्ड करता है तो ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर होता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ग्रेजुअली ऐड करेंगे और इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो डो की जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी होनी चाहिए थोड़ी हार्ड। आप देख सकते हैं कितना हार्ड डो मैंने यहाँ पर नीड किया है, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो इसको अभी हम 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और जब तक हम प्रिपेयर करेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हंग कर्ड ली है। हंग कर्ड मतलब दही का जो पानी होता है वो आप निकाल दें। इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, 1 मीडियम साइज की ग्रीन चिली, 1 कप अनियंस फाइनली चॉप्ड, 3/4 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, 1 कप ऑफ फाइनली चॉप्ड कैबेज। आप चाहें तो ये सारी वेजिटेबल्स आप ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। 3/4 कप पनीर, पनीर के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट किए हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। मसाले हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3/4 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो हम अपना डो चेक कर लेते हैं। डो को हम थोड़ा सा और नीड कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए और हमारे समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो इस डो में से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसकी एक स्मूथ बॉल बना लेंगे। तो अभी इस बोल को हमें फ्लैट करना है, तो एक रोलिंग पिन और बोर्ड की हेल्प से मैं इसको बेल लूँगी। एकदम राउंड शेप में आप इसको बेलें। कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे और एक पोर्शन हम यहाँ पर लेंगे। तो ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इनको हमें आपस में चिपकाना है और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये फ्राई करते टाइम खुले ना। तो ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से और आराम से आप इसको चिपकाएं और इंश्योर कर लें कि ये कहीं से भी थोड़ा सा भी खुला ना रहे, वरना फ्राई करते टाइम ये खुल सकते हैं। तो जो स्टफिंग हमने प्रिपेयर की थी वो हम इसमें अच्छे से स्टफ कर लेंगे और जो ये खुले हुए कॉर्नर्स हैं इस पर भी हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करके इनको आपस में चिपका देंगे। तो ये समोसा हमारा फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपका होना चाहिए लो और गैस फ्लेम भी आप अपनी लो पर रखें। फ्राई करने के लिए इंस्टेंटली आप इसमें स्पैचुला ना यूज़ करें। जब ये फ्लोट होके थोड़े से ऊपर आने लग जाएं ऑयल में तब आप इसमें स्पैचुला यूज़ करें। तो हम इनको डीप फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही टर्न करके फ्राई करते रहें। गैस फ्लेम आप एकदम लो पर रखें, अदरवाइज़ इनके ऊपर से बबल्स आ जाते हैं जो समोसे की शीट्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये समोसे हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इनको हम ऑयल से सेपरेट कर लेते हैं और ये समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ कि कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।